हाय गाइस, वेलकम टू बैक प्रियंका न्यू ब्लॉग वीडियो। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं पुदीना लगाने। तो पुदीना यहाँ पे देख रहे हैं बारिश भी हो रहा है, मौसम भी बहुत ही अच्छा है। तो पुदीना लगाने के लिए पहले हम जाएंगे उसका कटिंग लेने के लिए। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे बहुत सारे पुदीना है, तो यहीं से हम कटिंग लेंगे। कटिंग से भी पुदीना को इजिली ग्रो कर सकते हैं या उसको जो है आप जड़ से भी लगा सकते हैं। और बारिश के मौसम में हर कटिंग हर तरह का ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ बहुत सारा पुदीना आपको दिख रहा है, और पुदीना जो है आपको अक्सर लगाना चाहिए, क्योंकि पुदीना हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। इससे हम चटनी बना सकते हैं, जड़ी बूटी में भी बहुत सारा इसका यूज होता है। तो चलिए आज आपको बता देते हैं कि पुदीना को कैसे ग्रो किया जाता है। तो इस तरह से आपको अगर पास में पुदीना कहीं पर भी दिखे तो वहां से ले लीजिए, और उसको कोशिश करिए जड़ से निकालने के लिए, या आप इस तरह से लंबे लंबे उसके ले आएंगे ना, तो उससे जो लंबे इसके ब्रांचेस है उसका हम इससे कटिंग भी लगा सकते हैं। तो इससे जो है हमारा पुदीना बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगा। तो पहले चलते हैं घर, और घर पे यहाँ पे हमारा जो है मिट्टी बिल्कुल रेडी है पहले से। इसमें हम जो पहले से कुछ इसमें फ्लावर्स के सीड लगा रखे हैं, तो इसी में हम पुदीना को ग्रो करेंगे। और जब पुदीना बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा फिर उसको हम दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे। और बारिश भी हो रहा है तो सबसे अच्छा मौसम होता है पुदीना या हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, ऐसे रोजेस बहुत सारे कटिंग लगाने का। और इस समय आप कटिंग लगा भी सकते हो और इजीली ग्रो हो जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारा हम कटिंग लगाए भी हैं और बहुत सारा कटिंग का आपके साथ वीडियो भी शेयर किए हैं, और बहुत सारा आपको दिखाया भी है कि आपको कैसे लगाना है। तो इस तरह से इसको मिट्टी में दबा देंगे, इसमें जिसमें जड़ है वो भी और जिसमें जड़ नहीं है वो भी, सब इसको इसी तरह से पुदीना को पहले मिट्टी में आपको दबा देना है। और देखिएगा आप कि ये एक सप्ताह के अंदर ही इसमें छोटे छोटे नए नए ब्रांचेस आने लगेंगे, और पुदीना बहुत जल्दी फैलता है। जितना ही इसको बड़ा स्पेस में लगाइएगा उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसके लिए ना गहराई नहीं, आपको इसका गहराई नहीं चाहिए, इसका गुलाई चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा फैलता है। तो इसे आप पानी में और मिट्टी में दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ हम पानी ले लिए हैं और इसमें भी पुदीना को डाल देते हैं जिसमें जड़ नहीं है वो भी पुदीना, और ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे एक सप्ते के बाद का अपडेट कि ये कितना अच्छे से ग्रो हुआ है। आपको इसी तरह से पुदीना लेना है, और इसको आप छोटे छोटे भी करके लगा सकते हैं, पर इसी तरह से हम बड़े ही इस पानी में डिप कर दे रहे हैं। और पूरा नहीं डिप करना है पुदीना को, बस 2 से 3 इंच तक बस पानी में इसको डिप करना है। उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ है सबको हम मिट्टी में लगा देंगे, और इसको आपको रखना है एक सप्ते के लिए बिल्कुल जहाँ बहुत कम धूप आता हो और हवा का चाल चलन अच्छा हो, और वहाँ पे आपको रखना है। इससे जो है बहुत ही जल्दी इसका रूटिंग फास्ट होगा और हमारा पुदीना बहुत जल्दी ग्रो करेगा। उसके बाद एक सप्ताह के बाद जब पुदीना ऐसा लगे आपको कि पुदीना बहुत अच्छे से अब ये पकड़ लिया है, इसके जड़े बन गए हैं, इसमें छोटे छोटे नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं, तो आप इसे नेचुरल धूप में निकाल दीजिए, यानी जहाँ 4 से 5 घंटा का धूप आता है उस जगह पर इसको शिफ्ट कर दीजिए। और आपको पुदीना को हमेशा पानी देना रहता है। पुदीना को ड्राई मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, अगर ड्राई मिट्टी पुदीना का रहेगा तो पुदीना मर भी सकता है। तो इस तरह से हम लगा दिए पुदीना को, और हम आपको अपडेट दिखाएंगे एक सप्ताह के बाद कि हमारा पुदीना कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने प्रियंका न्यू ब्लॉग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको हर तरह का कटिंग लगाने का हम अपडेट देते रहे। अब